आइए बिक भैया, आइए अंदर आइए, माला के अंदर आइए। व्यक्ति दिखा दो, सामने सामने। चल हो गया, ये इसका काम हो गया। चलो नहीं हम बता सकते, पार्टी के सदस्य बने हैं, ज्ञाति परिवार में इनका ज्वाइनिंग हुआ है और ये आपके बीच में अपनी बात को रखते हैं। धन्यवाद सर। सम्मानित मंच, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मीडिया बंधु सामने बैठे हुए हैं और हमारे छातापुर से बहुत मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, सभी लोग आए हैं। सभी का स्पेस कॉन्फ्रेंस जो मिलन समारोह है उसमें आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। ये क्षण मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये जो हमने निर्णय लिया है ये कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2018 से सर के पेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर की जो सोच है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है बिहार को लेकर के, क्योंकि ये एक खुद एग्जाम्पल है बिहार में, जीरो से हीरो तक का इन्होंने जो सफर तय किया है, ये हमारे जितने भी योद्ध हैं ये सीखने की जरूरत है। इसी से मैं इंस्पायर्ड होकर के, क्योंकि सर का जो संघर्ष रहा है वो एक सीखने लायक है हमारे योद्ध के लिए, और इनका जो सर का जो विजन है, सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें सर ने VIP परिवार में शामिल किया है। मैं सर का बहुत 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 दिल से आभार, धन्यवाद, और मेरे बड़े भाई के रूप में मैं देख रहा हूँ। और सर का जो कुछ चीज मैंने देखा है जो मुझे इंस्पायर किया पार्टी ज्वाइन करने के लिए, कुछ दिन पहले की बात थी, सर का कार्यक्रम लगा हुआ था समस्तीपुर की तरफ और मीडिया के कुछ साथी ने सर से बात कर रहे थे कि संजीव आया है मिलना चाह रहा है, और सर रात में 11 बजे हमको बुलाए, पूरे दिन थके हुए थे। ये सब चीज जो सर सम्मान देते हैं कार्यकर्ता को, नेता को, ये बहुत बड़ी बात है और सीखने की जरूरत है। और सर का जो सफर रहा है, विरासत में सर ने कुछ हासिल नहीं किया, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा लकड़ी खींच दिया है सर ने, और मेरी भी कहानी लगभग इसी से मिलता जुलता है। तो इन सब चीजों को हमने सोचा और पार्टी का जो विकासशील पहला ही सब झकझोरने वाला है, सिखाने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। इसी से इंस्पायर्ड होकर के मैं इस परिवार का आज सदस्य बन गया हूँ। मैं सभी पार्टी के पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूँ, खास करके हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं। मैं आज आपको इस हॉल में वचन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करूँगा। जहाँ भी मुझे निर्देशित किया जाएगा, मैं पार्टी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। और आपका जो विजन है समानता की, आप सबको जो निचले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं उनको समानता और अधिकार की बात जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था, उस विजन को लेकर के जो आप चले हैं, हम आपके साथ हैं। बाकी हमारे नेताजी बोलेंगे, मेरा बोलना बहुत उचित नहीं होगा। बहुत बहुत पुनः मीडिया के जितने भी साथी हैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, खास करके जो हमारे छातापुर से लालू जी आए हैं, राजू भाई, जनीत खान जी, उमेश सहनी जी, बहुत साथी, अमित मिश्रा जी, डॉक्टर राघवन जी, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप उनको बुरा नहीं ले रहे क्योंकि नेताजी को बोलना है और मीडिया के साथी को कवर करना है, तो बहुत लंबा
कांग्रेचुलेशंस हैं, सभी को पूरा बहुत बहुत बधाई, और खास करके बीजेपी के जितने भी नेता पदाधिकारी हैं, आपने हमें इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, इसके लिए मैं आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलन समारोह में यहाँ पे हमारे पास उपस्थित हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके सिंह जी, वीआईपी पार्टी के नेता परमदेव चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश बिंद जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी, विकास सिंह जी, उत्तर प्रदेश से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं राजाराम बिंद जी, अर्जुन सहनी जी पटना जिला के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे छातापुर से बड़े संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सभी नेतागण उपस्थित हैं और मीडिया के साथी। आज आप सब जान रहे हैं कि आज प्रोमा ग्रुप के संस्थापक संजीव मिश्रा जी आज वीआईपी पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। इनको मैं तह दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आप आए हैं। निश्चित तौर पे आपके आने से कोसी तो मजबूत होगा ही, साथ ही पूरे बिहार में एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि वीआईपी पार्टी मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए, अपने विचार को लेकर, सभी जाति सभी धर्म को लेकर आगे बढ़ने का हमेशा निरंतर काम हम लोग कर रहे हैं। अक्सर लोग वीआईपी पार्टी को एक जाति से जोड़ देते हैं, ये निश्चित तौर पे निषाद समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते आज ये पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हमने किया है। एक जाति का नेतृत्व निश्चित तौर पे है, लेकिन इस पार्टी में आप मंच पे देखेंगे तो सभी जाति धर्म के लोग इस पार्टी में आ रहे मजबूती से और काम कर रहे हैं, और हम भी बिहार के भलाई के लिए 13 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं और हर जाति धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोगों का पार्टी का लक्ष्य है कि बिहार आगे बढ़े, बिहारी आगे बढ़े। हम लोग अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी किए हैं और मजदूरी कर इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग चाहेंगे कि अपने राज्य में, अपने राज्य के युवा को रोजगार मिले, अपने राज्य में अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ रहे, और इसके लिए सिर्फ मुकेश सहनी काफ़ी नहीं है, हम तमाम 13 करोड़ जनता को इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो पोलिटिकल पार्टी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है उनको उनके जवाबदेही होते हैं। संजीव मिश्रा जी सामाजिक स्तर में बहुत ही बड़े संख्या में काम कर रहे हैं, एक बिहार जैसे जगह पे उद्योग का जाल बिछा रहे हैं, जो शहर में आप दिल्ली मुंबई बेंगलोर कलकत्ता ऐसे जगह पे जिस तरीके से घर आशियाना को आप देखते होंगे, वो आशियाना संजीव मिश्रा जी पूर्णिया में बना रहे हैं, बिहार के अलग अलग कोना में बना रहे हैं। तो संजीव जी के पास एक बड़ा विजन है और उस विजन के तहत सामाजिक उद्योग में काम तो कर ही रहे हैं और अभी राजनीतिक तौर पे मजबूती से आए हैं। और निश्चित तौर पे मैं इनके लिए शुभकामना देता हूँ कि जो आपका विचार है वो जमीन पे उतरे, पार्टी के आपसे लाभ होगा, पार्टी के लिए आप काम करेंगे ही, और निश्चित तौर पे जो आप सपना देखते हैं समाज सेवा करने का, निश्चित तौर पर आने वाला समय जो होगा उसमें आपको अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, और ताकि सब बिहार आगे बढ़े, हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो पुनः मंच पे सभी उपस्थित सभी नेतागण और संजीव जी को विशेष बधाई। छातापुर का बड़े संख्या में यहाँ पे हमारे सब आए हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया के साथी को धन्यवाद देता हूँ कि आज गरीब पिछड़ा दलित की आवाज़ को गाँव गाँव तक, घर घर तक आप लोग पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए मैं दिल से हमारी पार्टी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल पार्टी बनाए और काम किए हैं, सभी को हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, और निश्चित तौर पर पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता, ना एक धर्म का होता है, पार्टी सभी के लिए है। जैसे हम मंत्री बने तो आपको पता होगा कि हमारे मंत्री बनने का योजना जो है सभी जाति धर्म के लिए हमने किया था। तो आज पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोग जगह दे रहे हैं। पूर्व में भी देखिएगा, मुख्य इलेक्शन का समय देखिएगा या उससे पूर्व 2020 का विधानसभा चुनाव देखिएगा, 11 सीट मिला था, हम सभी जाति धर्म को हम लोगों ने टिकट दिया है और आने वाला समय में भी सभी जाति धर्म को हम लोग जगह देंगे और पार्टी जो है सभी जाति धर्म के लोगों का है। संजीव मिश्रा जी से एक सवाल है, जैसे क्या वो पार्टी की ओर से पूरे बिहार में कैंपेन करेंगे या सिर्फ कोसी क्षेत्र को ही करेंगे? देखिए, मैं एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता हूँ,
और पार्टी की तरफ से जो भी मुझे आदेश मिलेगा, ड्यूटी मिलेगा, मैं उसको बखूबी रोजगार पलायन की बात करते हैं, वो सबसे पहले हमारा छात्रापुर है। और सिर्फ छात्रापुर नहीं, कोसी सीमांचल में जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों का उससे भी असुविधा है, इसके लिए हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं और बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले और ये जो अवसर शाही है लोगों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भोजन करते हैं। संजय जी, एक सवाल है कि अभी एक साल का वक्त है चुनाव होने में, इस बातचीत से आप आगे बढ़ने के लिए आसपास के इलाके में महागठबंधन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, क्या कीजिएगा? एक साल बीजेपी पार्टी महागठबंधन पूरे बेल्ट दरभंगा से लेकर मधुबनी सुपौल पूर्णिया, दो महीने का टाइम दीजिए, मार्च आते आते पता चल जाएगा कि हमारी क्या मजबूती है। दो महीने का वक्त। ये फरमान ला के दिखा दीजिए कि लालू जी ने ऐसा बात बोले होंगे तो भी उसका जवाब देना जाएगा। एक परसेप्शन बनाया गया था, उस परसेप्शन को भूल जाइए। अभी लालू जी ने आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना है, मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में सरकार बनना है, सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा और हम लोग आपको कह रहे हैं कि सभी जाति सभी धर्म को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे अगर बिहार से बाहर जाके पूछिएगा तो हम सन ऑफ बिहार है, इंडिया से बाहर अगर हम जाते हैं तो अगर हमसे पूछेंगे तो हम सन ऑफ इंडिया है, तो ये हमारे नाम है, उसके साथ टाइटल लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं गिरता। हम बिहार में हैं तो, और एक जिस जाति में जन्म लिए हम गर्व से कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। मुकेश जी, एक सवाल है आपसे कि क्या अब आपकी पार्टी मायावती के पद पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई? निश्चित तौर पे जितने भी सामाजिक न्याय के लिए जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाया और काम किए हैं सभी को हम लोग सीखते हैं, देखते हैं। और निश्चित तौर पे पार्टी जो होता है कोई एक जाति का नहीं होता, ना एक धर्म का होता है, पार्टी सभी के लिए है। जैसे हम मंत्री बने तो आपको पता होगा कि हमारा मंत्री बनने के बाद योजना जो है सभी जाति धर्म के लिए हमने किया था, तो आज पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोग जगह दे रहे हैं। पूर्व में भी देखिएगा, लोकसभा इलेक्शन का समय देखिएगा या उससे पूर्व 2020 का विधानसभा चुनाव देखिएगा, 11 सीट मिला था, हम सभी जाति धर्म को हम लोगों ने टिकट दिया है और आने वाला समय में भी सभी जाति धर्म को हम लोग जगह देंगे और पार्टी जो है सभी जाति धर्म के लोगों का है। संजय मिश्रा जी से सवाल, वो पार्टी की ओर से पूरे बिहार में कैंपेन करेंगे या सिर्फ कोशिश क्षेत्र को ही करेंगे? देखिए, मैं एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की तरफ से जो भी मुझे आदेश मिलेगा, ड्यूटी मिलेगा, मैं उसको बखूबी दूंगा। कोसी समस्या कोसी में सिर्फ बाढ़ की नहीं, जहाँ से मैं छातापुर से बिलोंग करता हूँ वहाँ जो बेसिक जरूरतें हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं हमारे नेता लगातार शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पलायन की बात करते हैं, वो सबसे बड़े हमारा छातापुर है। और सिर्फ छातापुर नहीं, कोसी सीमांचल में जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों का उससे भी अछूता है, इसके लिए हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं और बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले और ये जो अवसर शाही है वो कम है। दो महीने का टाइम दीजिए, मार्च आते आते पता चल जाएगा कि हमारी क्या मजबूती है। दो महीने के बाद संजीव सर एक सवाल है, संजीव सर एक सवाल है, कुछ दिन पहले तक आप ब्राह्मण के लखनऊ में थे, लगातार समाज के हित में बात करते हैं, अब महागठबंधन में आए हैं, उसी महागठबंधन में जिसमें लालू प्रसाद यादव राजद की पार्टी है, राजद जवाब दिया जाएगा। एक परसेप्शन बनाया गया था, उस परसेप्शन को भूल जाइए,
अभी लालू जी ने आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना है, मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में सरकार बनना है, संजीव मिश्रा जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं, और हम लोग आपको कह रहे हैं कि सभी जाति सभी धर्म को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, उनको चुनाव में पता चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लोग आते हैं सबका अपना एक विजन होता है, और निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टी में नेता आए और वो चुनाव न लड़े तो मतलब नहीं, तो पार्टी में आए चुनाव लड़ने का हर एक कार्यकर्ता का इच्छा होना चाहिए, और उस इच्छा के तहत पार्टी को बड़ा करने के लिए सब लोग काम करें, और निश्चित तौर पे पार्टी में जब चुनाव लड़ने का समय होता है तो उस समय में कार्यकर्ता को भी ढूंढा जाता है, कार्यकर्ता को भी लड़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पे संजीव जी आए हैं, हमारे हाथ को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, और निश्चित तौर पे जब चुनाव लड़ने का समय आएगा तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी के नेतागण सभी उस पर गंभीरता से विचार करेंगे, सक्षम भी हैं, मजबूत भी हैं, और निश्चित तौर पे आज ही जब जैसे ज्वाइनिंग हो रहा है तो वहाँ क्या स्थानीय हम देख रहे हैं कि नेतागण को अनाप शनाप बात रख रहे हैं, तो मतलब आज से ही डर उनको फैल चुका है, उनको फैल चुका है डर, तो मुझे ये चीज़ का खुशी मिल रहा है कि हम एक अच्छे नेता को उस क्षेत्र से लिए हैं, जिसको देखकर एक मंत्री और एक विधायक को पसीना अगर छूट रहा है तो मतलब हमें लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, और संजीव जी मजबूती से हमारे वीआईपी पार्टी में आए।